नमस्कार दोस्तों, चैनल D5 हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे पदार्थ के बारे में जानकारी देंगे जिसके केवल एक दो फायदों के बारे में ही आपने सुना होगा, लेकिन आसानी से बाजार में मिलने वाला यह पदार्थ कई प्रकार की समस्याओं और रोगों का निदान करता है। यह पदार्थ है फिटकरी। अक्सर आपने सुना होगा कि फिटकरी बहते हुए खून को रोकने के काम आती है, लेकिन फिटकरी का उपयोग यहीं तक सीमित नहीं है। तो आइए आपको फिटकरी के फायदों के बारे में बताते हैं, जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। फिटकरी एक प्रकार का खनिज पदार्थ है जो प्राकृतिक रूप में एक पारदर्शी पत्थर जैसा होता है। इसे एलियोनाइट कहा जाता है। इससे ही फिटकरी तैयार होती है। यह पत्थर रूपी पदार्थ भी सेंधा नमक की तरह ही चट्टानों में पाया जाता है। फिटकरी का रंग। फिटकरी दो प्रकार की होती है, लाल और सफेद। सफेद फिटकरी का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। यह संकोचक प्रवृत्ति वाली होती है, यानी यह सिकुड़न पैदा करती है। फिटकरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट है। इसे एलम भी कहते हैं। इसका प्रयोग खून को रोकने के लिए किया जाता है। इसलिए दाढ़ी बनाने या शेव करने के बाद फिटकरी को चेहरे पर रगड़ा जा लगाया जाता है। इससे दाढ़ी शेव करते हुए छिलने कटने से हुए जख्म ठीक हो जाते हैं। फिटकरी के फायदे। पानी को करे साफ। फिटकरी का प्रयोग पानी को शुद्ध व साफ करने के लिए किया जाता है। इसके प्रयोग से, यानी फिटकरी को गंदे पानी में डालने से, पानी की गंदगी नीचे बैठ जाती है और पानी साफ हो जाता है। बहते हुए खून को रोकने में करे मदद। चोट लग जाने पर या त्वचा पर कट आदि लग जाने पर फिटकरी का प्रयोग करने से खून निकलना बंद हो जाता है। इसके लिए फिटकरी को पानी में डुबाकर खून निकलने वाले प्रभावित स्थान पर रगड़ने से खून निकलना बंद हो जाता है। हल्की चोट या कट लगने पर ही इसका प्रयोग करें। ज्यादा चोट लगने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना फायदेमंद रहता है। घाव को ठीक करने में करें मदद। फिटकरी के पाउडर से घाव जल्दी भरते हैं। फिटकरी को तवे पर डालकर गर्म करके बारीक पीस लें। इसे घावों पर लगाने से घाव ठीक हो जाते हैं। साथ ही घावों को फिटकरी के घोल या पानी से धोने से भी किसी प्रकार का संक्रमण नहीं होता। आग से जलने पर हुए घाव को ठीक करने के लिए फिटकरी को पीसकर दही में मिलाकर प्रभावित स्थान पर लेप करने से आराम मिलता है। फिटकरी के चूर्ण में देशी घी मिलाकर घाव पर लगाने से घाव जल्दी ठीक हो जाता है। मुंह की दुर्गंध को करे दूर। मुंह की दुर्गंध को दूर करने में फिटकरी का प्रयोग फायदेमंद रहता है। इसे एक प्राकृतिक माउथ फ्रेशनर माना जाता है। फिटकरी वाले पानी से कुल्ला करने से सांस की बदबू से निजात मिलती है। फिटकरी में मुंह में बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मारने वाले गुण पाए जाते हैं। तन की दुर्गंध को दूर करने में करे मदद। गर्मियों के मौसम में अक्सर हर कोई पसीने की दुर्गंध से परेशान रहता है। नहाते समय पानी में फिटकरी का पाउडर डालकर इस समस्या से फायदा होता है। फिटकरी के पाउडर वाले पानी से नहाने से तन की दुर्गंध दूर होती है। इससे ज्यादा पसीना आने की समस्या भी दूर हो जाती है। हाथों पैरों की उंगलियों की सूजन व खुजली में दे आराम। सर्दियों के मौसम में अक्सर हाथों पैरों की उंगलियों में सूजन आ जाती है और खुजली होती है। इसके लिए पानी में फिटकरी डालकर उबालकर कोसे पानी से उंगलियां धोने से सूजन और खुजली में आराम मिलता है। त्वचा या शरीर में किसी हिस्से पर खुजली होने पर उस स्थान को फिटकरी वाले पानी से धोने के बाद सरसों का तेल लगाने से भी फायदा होता है। चेहरे के लिए फायदेमंद है फिटकरी। फिटकरी में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जिससे चेहरे के मुहांसे दूर होते हैं। इसके लिए फिटकरी के पाउडर को पानी में घोलकर चेहरे के मुहांसों पर लगाएं। 20 मिनट के बाद चेहरा साफ पानी से धोने से कुछ ही दिनों में मुहांसे ठीक हो जाते हैं। साथ ही चेहरे की झुर्रियों को दूर करने में भी फिटकरी लाभदायक सिद्ध होती है। झुर्रियों को दूर करने के लिए फिटकरी के एक टुकड़े को पानी में डुबोकर चेहरे पर लगाने से कुछ ही दिनों में फर्क दिखना शुरू हो जाता है। सिर की खुजली में है फायदेमंद।
फिटकरी का उपयोग करने से सिर में होने वाली खुजली दूर होती है और जुएं भी मर जाती हैं। कुल मिलाकर सिर और बालों की सफाई करने के लिए फिटकरी का प्रयोग फायदेमंद रहता है। इसके लिए फिटकरी वाले पानी से सिर धोना चाहिए, जिससे सिर की खुजली तो दूर होगी ही, साथ ही जुएं भी खत्म हो जाएंगी। दमा रोग में है फायदेमंद। दमे की समस्या से निजात पाने के लिए फिटकरी का सेवन लाभदायक रहता है। इसके लिए 10 ग्राम फूली हुई फिटकरी और 10 ग्राम मिश्री को पीसकर मिश्रण बना लें। दिन में एक या दो बार 1.5 ग्राम चूर्ण का ताजा पानी के साथ सेवन करने से पुराना दमा भी ठीक हो जाता है। इसके सेवन के दौरान वसा वाली खट्टी मसालेदार और तली हुई चीजों से परहेज करना चाहिए। मधुमक्खी या कीड़े के जहर को करे दूर। मधुमक्खी, बिच्छू या अन्य किसी जहरीले कीड़े के काटने पर फिटकरी के पाउडर को पानी में डालकर एक गाढ़ा सा घोल बनाकर प्रभावित स्थान पर लगाने से जहर का असर खत्म होता है और दर्द व जलन से भी राहत मिलती है। दांतों के लिए है लाभदायक। फिटकरी का प्रयोग दांतों के लिए लाभदायक है। फिटकरी के प्रयोग से दांत सफेद और मजबूत बनते हैं। फिटकरी से दांत का दर्द दूर होता है और मसूड़े भी मजबूत बनते हैं। इसके लिए 20 ग्राम फिटकरी के पाउडर में 10 ग्राम सेंधा नमक मिलाकर दांतों और मसूड़ों पर नियमित रूप से प्रयोग करने से फायदा होता है। इस उपयोग से मसूड़ों से खून आने की समस्या भी दूर होती है। फिटकरी और काली मिर्च को बराबर मात्रा में पीसकर दांतों की जड़ों में लगाने से दांतों के दर्द में आराम मिलता है और दांत का कीड़ा भी मर जाता है। खांसी से दिलाए राहत। खांसी को दूर करने में भी फिटकरी बेहद फायदेमंद है। फिटकरी के सेवन से पुरानी खांसी से भी राहत पाई जा सकती है। खांसी से राहत पाने के लिए थोड़ी सी फिटकरी में शहद मिलाकर चाटना लाभदायक रहता है। साथ ही आधा ग्राम पिसी हुई फिटकरी को शहद में मिलाकर चाटने से दमा और खांसी जैसे रोगों में आराम मिलता है। दाढ़ी बनाते समय करता है एंटीसेप्टिक का काम। शेव करने के बाद चेहरे पर फिटकरी का प्रयोग करना फायदेमंद रहता है। इससे चेहरा मुलायम हो जाता है। फिटकरी चेहरे पर एंटीसेप्टिक का काम करती है। शेव के दौरान ब्लेड से लगने वाले घाव ठीक होते हैं और जलन भी दूर होती है। तो दोस्तों, ये थी फिटकरी के फायदों से जुड़ी जानकारी। किसी और औषधि के गुणों की जानकारी लेकर फिर आपके रूबरू होंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए। धन्यवाद।